दिया है, स्वयं करके देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं। अब ये क्वेश्चन था थोड़ा चेंज है, रूट आ गया यहाँ पे और यहाँ पे अपॉन में वैल्यू है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कैसे करते हैं ये देख लो। इसमें भी वही मूल ज्ञात करना है, यानी रूट्स फाइंड करने हैं आपको एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, पहले यहाँ मैंने लिखा हल। अब इसमें ध्यान समझना क्या करना है। देखो मैंने क्या तुमसे बोला था, इसका और इसका इंटू करना है, जो कंसेप्ट है वो तो वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इसका इसका इंटू करेंगे तो इन दोनों का इंटू मैं यहाँ चलो कर देता हूँ, रूट टू का इंटू करेंगे किसमें, 5√2 में। ठीक है, इसका इंटू इसमें होगा, समझना वही कंसेप्ट है, 5 बन जा। देखो ये 5√2 है, ये 1√2 बन सकते हैं, 5 बन जा 5। ठीक है, और √2 का √2 में इंटू √4 आएगा, तो 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है ना, 5 × 2 = 10, तो कितना आया इंटू करके 10। अब पहले की तरह ही दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणा करके 10 आए और वैसे 7 आ जाए, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और 5 और 2 = 7 होते हैं, प्लस के साथ लाने, +5 + 2, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो अब हम इस यहीं पे एक्स लिख देंगे और इसी इन दोनों को यहाँ लिख देंगे, इसको हटा देंगे 7x को, तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यहाँ से दो दो के पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, √2 इधर है तो इधर नहीं है, x दोनों में है, x कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा √2, एक x तो यहाँ बचेगा स्क्वायर है, और इधर से एक्स नहीं बचेगा, इधर बचेगा +5। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, देखो यहाँ से 2 इधर से कॉमन लेते तो इधर नहीं है, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे √2 कॉमन लेना पड़ेगा। मैं देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज, क्योंकि यहाँ पे √2 आना चाहिए पहले। मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ, 2 = 2 क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो √2 √2 का इंटू करेंगे तो √4 आएगा, और 4 का स्क्वायर √2 होता है, दोनों बराबर आ गए, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2x + 5√2 = 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात है, 2 = 2 क्या होता है, √2 √2 लिखा जा सकता है ना, 2 को दो बार आएगा तो 2 ही, ठीक है ना। चलो ये लिखा रहने दो समझने के लिए आपको, जिससे समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे ना, तो देखो एक्स यहाँ पे तो ये कॉमन आ ही गया था, √2x + 5, प्लस यहाँ से √2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, और यहाँ से x + 5 = 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो √2x + 5 कॉमन आया, बचा x + √2 = 0, तो एक बार लिखेंगे √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब हम इसके इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या आएगा, √2x = -5, तो x = -5/√2 का डिवाइड दे दो। ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो x + √2 = 0 है, √2 को उधर ले जाओ, तो x = -√2 हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ये आंसर बॉक्स में जो बंद है वही आंसर है। ठीक है, ये तो रफ वर्क है। अच्छा अब इस सवाल को समझ लीजिए, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 8 का सम में इंटू कर देंगे, तो 8 × 2x² - 8 × x + 8 × 1/8 = 8 × 0। 8 का इंटू इसलिए किया जिससे ये 8 से 8 कट के हट जाएगा, नीचे की संख्या हट जाएगी, 8 × 2 = 16x² - 8x + 1 = 8 0 = 0, 8 0 = 0। अब देखो 16 एकम 16, 16 के ऐसे फैक्टर करो, इंटू करके 16 आए और वैसे 8 आया है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हम लिख सकते हैं, गुणा करके 16 आ रहा है और वैसे 8 आया, माइनस के 8, -4 -4, साथ में एक्स और लिख दो, तो इसको हटा दो इन दोनों को,
लिख दो। यहां से दो दो के जोड़े बना लो। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो चार के पहाड़े में 16 आता है, 4x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 4 चौक 16, 1x बचेगा। माइनस 4x कॉमन गए, कुछ नहीं बचा, 1 मान लो। माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, x इधर है तो इधर नहीं, 4 इधर है तो इधर नहीं है, तो क्या लेंगे, 1 कॉमन। तो यहाँ से बचा 4x, माइनस कॉमन लिया है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ गया, 4x माइनस 1, बचा क्या, 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। इसके इक्वल टू 0 ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये तो एक जैसे ही हैं दोनों, तो एक ही मूल आएंगे। अब देखो एक उधर जाएगा, 4x बराबर प्लस के 1, x बराबर 1/4, ऐसे इसका क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4, ठीक है ना। तो क्या आ गया, मूल रूट्स 1/4, 1/4 आंसर, ठीक है।